ये जो शख्स झाड़ू लेकर किसी के पीछे दौड़ रहा है, ये यूवी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। इसका दिल टूटा है और वो दिल खुशी शर्मा ने तोड़ा है। ये जितना ही तुम्हें शांत लग रहा है, जितना ही भोला लग रहा है, इसके मन में उतना ही खोट है। इस लड़के ने बहुत लोग का काटा है आज के इस वाले वीडियो में। सॉरी यार, देखो एक चीज मुझे समझ नहीं आती, मतलब ये क्या है यार, मेरे फ्रेंड्स लोग इतना तंग क्यों करते हैं भाई? बंदी बटवा यार, भाई बंदी बटवा यार, बंदा। अरे यार, सरदर्द हो गया है बंदी शब्द। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। रुको भाई, आज इनको मैं बताना नहीं, इनको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे निकाला जाता है एक रियल जेन्यून एंजल प्रिया नामक बंदी को। आ जाओ, इन सबको आज हम एंजल प्रिया से मिलाएंगे। तो इनसे मिलिए, ये है हमारी खुशी शर्मा, मतलब कि मैंने एक फेक अकाउंट बनाया है। वो इसलिए बनाया है भाई बंदी बटवा यार, भाई बंदी बटवा यार। मेरे टारगेट में अभी फिलहाल के लिए चार लोग हैं। ये चारों के चारों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक का नाम है आर्यन, एक का नाम है आलू, एक का नाम है एडरॉक और एक का नाम है यश पेरुमंडला। ये चारों को मैं टारगेट में लेने वाला हूँ, चारों को मैं खुशी शर्मा बन के मैसेज करने वाला हूँ। तो चलो बेशर्मों की तरह उन चारों को मैसेज करते हैं। आई एम सॉरी बाबू। Let's go, I am set। चारों के चारों को मैंने मैसेज कर दिया, किसी का ना किसी का तो रिप्लाई आएगा ही, भले तो टाइम बाद आएगा। You won't believe, ये अकाउंट मैंने इतना ज्यादा रियल बनाया है यार। उतना तो मैं मेरे मम्मी पापा के सामने भी मैं रियल नहीं हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, लाइक्स भी है। ओके, 44 लाइक्स, 50-50 लाइक्स करके रखे हैं मैंने। तो मतलब जो भी अगर इस अकाउंट के थ्रू मैसेज रिसीव करेगा ना, भाई भाई मेरा माल है। और इसी के साथ अकाउंट को और ज्यादा रियल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाइलाइट्स भी पोस्ट किए हैं। ये कुछ ऐसे दिखते हैं आपको हाइलाइट्स, ये देखो हाइलाइट्स। एंड ऊपर से मैं स्टारबक्स भी गया था यार बीच में, नहीं मतलब खुशी शर्मा बनकर स्टारबक्स में गया था भाई। कहीं वो ऑब्सेस ना हो जाए, ऐसे शादी विधि के सपने ना देख ले यार। मैं तो वो सोच रहा हूँ, अगर शादी विधि के सपने देख लिए तो भाई कल के दिन अगर मैं नहीं रहा ना तो यार यूट्यूब संभाल लेना कोई प्लीज। हाँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये बहुत गंदा स्कैम करने जा रहा हूँ मैं। एंड उसी के साथ मेरे पास फॉलोवर्स एंड फॉलोइंग भी, सब कुछ रेडी है तुम्हारे भाई के पास। तो इसका मतलब आज होने वाला है एक गंदा स्कैम। और मैंने सुना है एक हर एक अच्छा काम करने के पहले हमको भगवान के चरण स्पर्श करने रहते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं जो मंजिल पे जा रहा हूँ मुझे पता है वो मंजिल बहुत दर्दनाक है, मेरे लिए नहीं, मेरे दोस्तों के लिए। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, इसके बाद अगर उनको गुस्सा आया तो आप कंट्रोल कर लेना थोड़ा सा, और कुछ नहीं। आ जाइए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैसेज करने वाले हैं इस दुनिया के सबसे मोस्ट खूबसूरत इंसान की, वो है आर्यन चौहान। इसे टोटल 190 प्रपोजल्स आए हैं, बट फर्क ये था कि वो इसके लिए सपना था और सपना है और सपना रहेगा। बट उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे सपना ने भेजा है, तो इसलिए मैं सपना का सपना पूरा करने के लिए इसका सपना तोड़ने वाला हूँ। मार ले भाई, मार ले ले। ये बहुत ज्यादा सिंगल है यार, मैं तुमको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, रिप्लाई जरूर आएगा। हे डिड आई नो यू? हाँ भाई, तू मुझे जन्मों से जानता है। एक्चुअली आई नो यू, लेकिन मैं आपको नहीं जानता, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? दरअसल मैंने आपको फुटबॉल ग्राउंड में देखा था, यू वर लुकिंग सो क्यूट। लेकिन मैंने आपको नहीं देखा, क्या आप JSN में रहते हैं? JSN जिन्हें नहीं पता, वो एक्चुअली हमारे सोसाइटी का नाम है। अभी मैं तुझे बता दूं मैं कहाँ रहती हूँ। अब जो रिप्लाई आने वाला है ना इसको, इसे देखने के बाद इसकी आने वाली 10 दिन की नींद खराब हो जाएगी। एक्चुअली मैं आपके दिल में रहती हूँ। दरअसल मैं आपके दिल में। Let's go। I can't double it। आप कौन है? आप झूठे हो। हक दिया। कौन हो आप? फेक अकाउंट राइट? आई नो। ओ नहीं नहीं नहीं, ये मेरे को नहीं सुनना था यार। तुम गलत सोच रहे हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्या आप मुझे अपनी तस्वीरें भेज सकती हैं? अभी मजा आएगा ना। कैन यू सेंड मी योर पिक्चर्स? ये थोड़ी इससे अच्छी बात बोली ना, क्योंकि अब मैं उसको बहुत गंदा फंसाने वाला हूँ, बहुत गंदा, बहुत ज्यादा। और एडिटर जो तूने बैकग्राउंड में मेरे चलाया है ना, ये इसको मैं कुछ दो यार। इश्क है एक आदि, इश्क है एक तूफान।
जी हाँ, मेरा नाम है अभिषेक। यस, मैं अभिषेक की वाइफ हूँ। सो यस एवरीवन, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन अभिषेक। तो अब बारी है कुछ तगड़े तगड़े फोटोज क्लिक करने की। या फ्रेंड को भेजने वाले, तो रेडी हो जाओ, आ जाओ फोटोज क्लिक करते हैं। मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा क्यों आ रही, बट बहुत शर्म आ रही। ठीक है, कहा कौन सी सेंड करूँ, कोई गलत नहीं होना चाहिए, बस अच्छा सेंड करना है। मैं तो सोच रहा हूँ ये वाली सेंड कर देते हैं। अरे ऑनेस्टली यार, इसको देख के कौन बोलेगा कि नहीं लग रहा हूँ लड़की। सेंड कर दिया, बस ये ना बोल दे कि तू लड़का है। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। ओके एड्रेस भी, यस यस, ये चीज तो करनी थी इसको, सिर्फ मेरे को ट्रस्ट दिलाना था कि इसको ट्रस्ट आ जाए किसी भी एंगल से कि हाँ भाई मैं एक लड़की हूँ। अब देखना इसका 2 या 3 दिन बाद जो गंदा कैची कटेगी ना यार। अब मैं तुमको 4 दिन बाद मिलता हूँ, बहुत गंदा प्रैंक होगा, बहुत गंदा। वेलकम बैक, तो ये है अभिषेक 15 दिन बाद वाला। मैं इतना दिन खुशी शर्मा बन के चैट कर रहा हूँ ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, मैं अभिषेक हूँ या खुशी शर्मा हूँ। तो अब लोग का मकसद क्या था? हाँ, मकसद को हम भूल नहीं सकते हैं, जो कि मैं आपको बारी बारी करके दिखाऊंगा कि मैंने क्या चैट किया चारों के साथ। बट सबसे पहले आर्यन, बेटा तू तो गया रे, तू तो गया, मतलब गया गया मतलब तू गया, तू जिंदा ही नहीं रहेगा अभी, तू गया। 15-20 दिन से जो इसके में मजे ले रहा था, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, मेरे बाबू ने किया क्या, आज उसके बाबू को बूबा का दूबा हजूबा दिखाऊंगा मैं, हजूबा जी हजूबा। और भाई आ गए मजे खुशी शर्मा से बात करके। हाँ, 15-20 दिन से जो तू बात कर रहा ना खुशी शर्मा से, वो खुशी शर्मा नहीं है भाई, वो मैं हूँ। क्यों यार ये गंदे काम करते क्यों हो तुम? नहीं, बेशर्मों की तरह कोई भी रैंडम लड़कियों से बस मैसेज क्या आ जाए, तुम्हारे डेपोमेंट रिलीज हो जाते हैं। क्यों, कट गया ना एट द एंड, पता चल गया ना मैं हूँ वो, परीक्षा ले रहा था मैं तेरी, और हो गया तो परीक्षा में फेल हो गया, नीट की तैयारी कर रहा है ना तू, ये करेगा तू नीट पे पास, ऐसे पास होगा तू, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, प्लीज बी स्लीप ऑन टाइम, ये ऐसे तू करेगा। पढ़ ले भाई, पढ़ ले, ठीक है पढ़ ले, अगर अभी भी नहीं पढ़ा ना तू तो कुछ नहीं करेगा लाइफ में, तू पढ़ ले। जा रही है। अरे यार जा रही है, सुन तो सही, सुन, अरे सुन, अरे सुन ना, अरे सुन तो सही, अरे एक मिनट, एक मिनट, अरे जा रही तू, अरे एक एक जा रही, एक मिनट, नहीं ले जा, अरे यार जा रही, इतना दुखी क्यों हो रहा तू? देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, इसके बाद अगर उनको गुस्सा आया तो आप कंट्रोल कर लेना थोड़ा सा, और कुछ नहीं। ये तो तुमने सिर्फ एक का देखा, अभी बाकी है 3 लोग, 3 लोग अभी भी मेरे टारगेट में हैं, जिसमें से एक के साथ मैं आज गार्डन में मिलने जा रहा हूँ। नहीं, लड़का बन के नहीं, लड़की बन के। तो हुआ ये कि मेरा फ्रेंड आलोक मिश्रा ने बोला खुशी शर्मा को कि तू मुझे रियलिटी में मिल, एक बार आप लोग चैट्स की तरफ गौर कर लीजिए, ये देखो कैन वी मीट। मैंने उससे बोला यस श्योर व्हाई नॉट, उसने बोला वेयर, मैंने उससे बोला गाड़ी के पीछे, अरे नहीं यार सॉरी मजाक कर रहा हूँ मैं यार, गार्डन में। कौन सा गार्डन? अमेज़न फॉरेस्ट। पागल है क्या ये थोड़ा? इसको मैं इतना भाव दे रहा हूँ लड़की बन के, और मेरे को बोल रहा है कौन सा गार्डन, किधर गार्डन, ये वो, मजाक यार, किडिंग। साइप्रस गार्डन, साइप्रस। डब्ल्यू डब्ल्यू मिलेगा वहां पे, www चलो आ जाओ गार्डन में चलते, www ढूंढेंगे आज हम लोग। ओके तो तुम लोग ने की, ओके तो तुम लोग ने जैसा कि देखा वो अभी फिलहाल के लिए ग्राउंड में है, ओके एंड ग्राउंड में वो बैठ कर मेरा वेट कर रहा है, बट उसको क्या पता दोस्त, अभी उसके साथ एक बहुत तगड़ा वाला स्कैम होने वाला है, वो काफी टाइम से वहाँ पे एक्चुअली वेट कर रहा है। गाइस तुम लोगों को यहाँ से दिख रहा है कि नहीं, मैंने यहाँ से एक जूम करके ट्राई करके दिखाता हूँ, वो देखो बूरा 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 वहाँ पे बैठा है, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होना चाहिए। क्या हो गया भाई, और क्या कर रहे तू? किस किसकी तलाश में भाई तू यहाँ पे, किसी की तलाश में आया? काम से आया, मेरा दोस्त आ रहा है।
मैं खुशी शर्मा से वीडियो क्यों बना रहे हैं? अरे खुशी शर्मा को ढूंढ रहा है क्या? हाँ खुशी शर्मा, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। व्हाट क्या हुआ? खुशी से पता चल रहा है। अरे मेरी फ्रेंड है रे बीच वाली, इसलिए पूछ रहा। खुशी शर्मा को ढूंढ रहा है। मुझे अपने घर जाना है। ये देखो यहाँ पे तू कैसे आ गया। अरे देखो उससे मेरी फ्रेंड एक्चुअली ना वो वेट कर रही है बाहर। वो मैं बताता हूँ, वो ना वेट कर रही है। उसको डर हाँ उसको डर लग रहा है कि वो तेरे सामने कैसे आएगी, समझ रहा है तू? चलते हैं वहाँ पे। हाँ मिलना है खुशी शर्मा से। भाई मेरे को कब से मिलने का था पर अब क्या करे, मिलना तो है। लेकिन तूने मेरे को नहीं बताया कि तू एक लड़की से चैट करता है। मेरा फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है, तभी भी ये मेरे को बताता नहीं है कोई चीज। पता तो चलना ही था, बाद में चल जाता भाई, सब प्लानिंग कर लेते तो। लेकिन बताना चाहिए। चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मस्त लड़की, मजा आ जाएगा। हाँ देखा अभी कैसे लाइनर है, अभी कैसे लाइनर है। मतलब तू पहले से जानता है उसको? हाँ ऑब्वियो भाई, क्या बात कर रहे, कब से जानता हूँ उसको? मतलब स्कूल बिल में, कॉलेज में? कॉलेज में थी, उससे मांगा था तेरा आईडी कि अच्छा तूने दिया। तो अननोन कैसे कोई मेरे को फॉलो मैसेज कर सकता है? ऑब्वियो भाई, उससे आईडी मांगा और फिर मैंने उसको दिया। भाई आज कुछ तो काम आया ये बंदा भाई। उधर 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 साइड, उधर साइड में ना, उधर साइड है, पागल है क्या? बात तो ठीक है, तू मेरे को मिला रहा है पर तू वीडियो क्यों बना रहा है? ये फंस गया सी है। वीडियो क्यों बना रहा है? हाँ आज क्या लाइक सेकंड। खुशी शर्मा मैं हूँ। खुशी शर्मा मैं हूँ, मतलब वेट कर रही ना? मैं ही हूँ, मैं ही तो मिलने आया हूँ तुझसे। मेरे को डर लग रहा है ना, मार डालेगा। बाय बाय बाय, मैं तो भाग रहा यहाँ से, बाद में मिलूंगा। सुनील की तीरी, अरे सॉरी मत ना। सॉरी 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 सॉरी, मैं चूता लेके भाग जाऊंगा। अरे ये पीछा नीचे उठ पे। हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से। यहाँ पे आप सभी लोगों को ऐसे टाइप के वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे आने वाले टाइम में। सो यार जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाके अभी के अभी फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे बारे में अगर और जानना है तो। क्योंकि यार इंस्टाग्राम के प्रैंक करो तो इंस्टाग्राम पे तो तुम फॉलो ही कर सकते हो। फॉलो करो फटाफट से। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तीसरे स्कैम की जो कि करने वाले हम लोग दुनिया के सबसे ठरकी इंसान से। यार ये बंदा नीम आदित्य प्रतीक दास, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। फॉक बॉयज का आप लोगों ने नाम सुना रहेगा लेकिन उसके काम आज आप लोग देखने वाले हो। एक बार चैट्स की तरफ लुक डालो आदित्य प्रतीक दास के। यू स्टे इन अगरतला राइट, ओके ऐसा वैसा करके मैंने उसको मतलब उसके बारे में जानने की कोशिश की, मैंने उसके बारे में जाना। बट 5 दिन बाद ये बंदा क्या चैट करता है देखो मुझसे। सेंड मी योर एक्चुअली ये चेरी ब्लॉसम्स की बात कर रहा है, तो ऐसे चेरी खाना है। भाई यहाँ पे खुशी शर्मा में कोई भी चेरी नहीं मिलती है, यहाँ पे चेरी अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ठरकपन भरी हुई है इसके अंदर और कुछ नहीं है। सब निकल जाएगी इसकी ठरकपन, और वो भी पता चलेगा मैं हूं ना, ये कहीं बेहोश ना हो जाए। Naughty America. Nobody. 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 Does it better. हाय हाय राजा जी। अभी इस बंदे को वीडियो कॉल करने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि अभी मेरे को नोटिफिकेशन आया है। सिंस इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम वी आर चैटिंग, इज द राइट टाइम फॉर वीडियो कॉल। सही टाइम है, लेट्स गो टू वीडियो कॉल जल्दी से फटाफट से। ये है बहुत ही कीमती चीज, लेट्स गो। पांडा का शक्ल देखने के लिए थोड़ी ना मैंने वीडियो कॉल किया यार आपको।
भी क्या मैं इस पांडा के साथ करूँ क्या? तुमको नहीं दिखाना शक्ल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ, कैमरा के सामने आ जाओ। एस्थेटिक की असल में मैं बात नहीं कर सकती। बात करोगी या नहीं करोगी ये बताओ पहले। क्या तुमको बात करना है मेरे साथ? अगर बात करना है तो बोलो कि हाँ बात करना है, बात करूंगी। कुछ दिखाना है तो मतलब मुझे ना लाइक तुम्हारा मतलब समझ रही हो ना तुम, कोमल सा चेहरा देखना है जो कि तुमने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया है। और इस भोले टेडी बियर को हटाओ यार, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है यार? 15 दिन से नंगा नाच कर रहा हूँ इंस्टा पे, तेरे साथ बकचोदी कर रहा हूँ और तू मेरे साथ बात नहीं करना चाहती, वो भी अपना शक्ल दिखा के। आए मेरे को नहीं पता, शक्ल दिखा। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, अगर तू खुद को बेस्ट फ्रेंड मानती है तो अपना शक्ल दिखा, वरना मैं अपना नस काट लूंगा अभी। अच्छा ओके, 15 दिन से तूने मेरी सही करी, अभी तू मेरे को राजकुंद्रा क्यों दिखा रही है? मेरे को नहीं काम करना वैसे वो सब वीडियो में। भाई मेरे को ना घपला लग रहा है भाई, तू दोगलापन कर रही है यहाँ पे। तू लड़का है भाई, तू लड़की हो ही नहीं सकती भाई। हेलो ओके ठीक है, मैंने विश्वास कर लिया तुम लड़की हो, और दिखाने की जरूरत नहीं। बहुत गंदे लग रहे तुम्हारे बाल यार, अगर तुम चाहो तो मतलब। और भाई क्या चाहिए? और गैसम क्या चाहिए क्या? ये रोज रात को 12 बजे ठेका चला के रखे है। हाँ भाई बोल भाई क्या हुआ? ठीक है भाई तुझे तो चेहरा बंदी रोज रात को रैकेट चलाते बंदियों का, इस काम के लिए तेरे को कंप्यूटर लेके दिया लोगों ने। हाँ भाई मैं ही तो हूँ खुशी शर्मा, तूने मेरी जिंदगी की सारी खुशी छीन ली यार। मैं 15 दिन से चैट कर रहा था भाई, मुझे लगा तू था ये। वैसे तू वीडियो शूट कर रहा है क्या? या अपलोड हो रही है। ऑडियो देखी। अगर इतना टाइम मैंने पढ़ाई में लगा लिया रहता तो शायद आज मैं नीट में फर्स्ट रैंक आता। सो यार इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर इस वाली वीडियो पे 10,000 लाइक आ गए, बट अगर 10,000 लाइक आ गए तो यार इसका पार्ट 2 भी आएगा। मैं फिर से लोगों के साथ स्कैम करूंगा सेम इंस्टाग्राम प्रैंक का। सो 10,000 लाइक कर देना अगर आपने लाइक नहीं किया, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो यार। ऐसे लोगों की वीडियोस कहाँ देखने को मिलते हैं? इतना अच्छा प्रैंक कहीं देखा है तुमने? नहीं देखा है ना? तो यार डेफिनेटली अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और याद है कि नहीं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं वहाँ पे अपडेट देते रहूंगा मेरी वीडियोस के। एंड इसी के साथ खुशी शर्मा लेती है अलविदा। पांडा भी बाय बोल रहे हैं।